यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इज इन फैक्ट स्पीकिंग इन हरियाणा एट द मोमेंट. ही इज एड्रेसिंग द सम्मान सम्मेलन. दिस इज ऑफ कोर्स अमित शाह'स बिग ओबीसी फार्मर आउटरीच अहेड ऑफ द इलेक्शंस इन हरियाणा. लेट्स लिसन. रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया. 16 और जातियों को ओबीसी में आरक्षित करने का काम किया और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया. और क्रिमिलियर की लिमिट को न सिर्फ बढ़ाया, इसमें से कृषि और तनख्वाह की आय को बाहर रखने का काम ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया और आज से वो हरियाणा के बीसी को भी इसका फायदा मिलने वाला है. भाइयों और बहनों, हरियाणा में भी पिछड़े वर्ग के कल्याण की कई योजनाएं हुई हैं. सैनी जी ने वो बताया है, मैं डिटेल जाना नहीं चाहता हूं, परंतु मित्रों मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने हरियाणा में एक बीसी के बेटे को गरीब घर से, नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाइए नायब सिंह जी के लिए, एक बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है. अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा. भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद और भ्रष्टाचार के सिवाय हरियाणा को कुछ नहीं दिया. भारतीय जनता पार्टी ने ईज ऑफ डूइंग करप्शन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक का फासला भारतीय जनता पार्टी ने किया. कांग्रेस की सरकारें जब बनती थी, एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचता था, दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा तक पहुंचती थी, एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास करती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र का विकास करती थी. भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण हरियाणा का विकास करने वाली सरकार देने का काम किया. भाइयों और बहनों, आज हरियाणा देश में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बना. हर 10वां जवान हरियाणा से आता है. एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलें कोई अगर खरीदता है तो हमारी नायब सिंह सैनी की सरकार खरीदती है. गांव में लाल दौरे के भीतर मालिकाना हक देने का वाला पहला राज्य हरियाणा बना. पढ़ी लिखी पंचायतों वाला पहला राज्य हरियाणा बना. महिलाओं की 50% भागीदारी वाला पहला राज्य हरियाणा बना. हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना. पहला आयुष विद्यालय विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य हरियाणा बना. जीएसटी कलेक्शन में पर हेड सबसे ज्यादा करेक्शन मेरे हरियाणा का होता है. देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान पर कैपिटा अगर कोई करता है तो हरियाणा करता है. खाद्यान्न में दूसरा नंबर, दूध के उत्पादन में तीसरा नंबर, सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम स्थान, मानकों को सुधारने में हरियाणा को 3 अवार्ड मिले और विश्व की 400 फॉर्च्यून कंपनियां आज कहीं पर है तो हरियाणा में. All right, that was Union Home Minister Amit Shah essentially, launching a campaign pitch ahead of elections in Haryana, which is scheduled to happen in just a few months from now. Interesting
OBC and farmer outreach, you know, this after the poll drubbing that the BJP has faced in the recently concluded Lok Sabha elections. Let's go right across to Gurpreet joining us for the very latest. Gurpreet, it's a very direct campaign pitch as far as Union Home Minister Amit Shah is concerned ahead of elections in Haryana. He's talked about backward classes. This is an outreach to the OBC communities as well as to the farmers. And many believe that these are particularly the communities that the BJP has alienated, and this, of course, you know, has been reflected in the recent Lok Sabha poll drubbing. Well, yes, it seems the union minister has conducted a proper survey and they have already got a report. In Haryana, there is a lot of importance of a union minister visit in the state of Haryana because the elections are going to be happen in the month of October or maybe in the first week of November. But now this is very clear. On June 29th, the home minister has come here where he held a meeting and marathon discussion with all the BJP leaders. And today in Mahendragarh, he is trying to reach to the OBC there. So somewhere down the lane, he is telling the main achievements of the state government, which they have done within 10 years. And at the same time, he has also said MSP is being given to the farmers also. So they are trying to tell all the achievement. And this is all these things are happening in the wake of upcoming Vidhan Sabha election in the state of Haryana.